बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। एंड वेलकम टू दी आयशा व्लॉग। तो जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने आपको बताई थी कि मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखी थी, लेकिन कुछ मेहमान आ गए थे इसके वजह से थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो गया था बीच में, तो इसलिए मैंने अभी डबल से इसको ग्राइंड कर लिया। और इसके अंदर का जो था ये कंटेनर के अंदर का, तो मैंने एक छोटे डिब्बे के अंदर निकाल के रखी और अभी मैं ये कंटेनर को पूरा फिल कर दूंगी। और इसको मैंने पहले ही वॉश कर ली थी और ये जिंजर और गार्लिक दोनों का मिक्स पेस्ट है। तो चलिए इसको पहले फिल करते हैं और फिर मैं सीधा मिलूंगी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर हो गया था नेक्स्ट डे और मेरा सब काम होने के बाद में मैं एक लिस्ट बनाने के लिए बैठ रही थी, क्या मतलब मुझे मॉल से जो जो शॉपिंग करनी है तो घर का सामान क्या है और क्या नहीं है, नहीं तो लिस्ट नहीं बनाई ना तो फिर मैं डबल डबल चीज़ें लेकर आ जाती और वो वैसे ही पड़े रहती, एक्स्ट्रा हो जाती मेरे पास में। तो यहाँ पर ये एक बास्केट है जो मैं फ्रीज में रखती जो मसाले वगैरह रहता, तो ये मैं चेक कर रही क्या कितना है, कितना कम ज़्यादा है, वो हिसाब से मैं एक लिस्ट बनाऊँगी और फिर उसके बाद ही मैं मॉल से ख़रीदूँगी। तो इसके बाद हम लोग आ गए डीमार्ट और मॉल आने के बाद में ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स थी ना, और बहुत अच्छी लग रही थी ये रूह अफ़ज़ा की बॉटल्स पूरी सेट करके रखी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने रूह अफ़ज़ा की बॉटल ही उठाई और उसके बाद में जो जो चीज़ें मुझे शॉपिंग के हिसाब से लग रही थी लिस्ट के हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू लिस्ट मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ से परचेस कर ली। और मैं घर से लिस्ट ये वजह से बना के लेके आती क्योंकि यहाँ पर है ना आसानी भी हो जाती, नहीं तो फिर बार बार राउंड मारते रहो बस ये लेना है वो लेना है, ऐसा करते करते ना पूरा टाइम निकल जाता और हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा चिल्लाते रहते फिर। तो वो हिसाब से मैं एक लिस्ट बना के लेके आती, जो जो लिस्ट में रहता वो सब चीज़ें मैं ट्रॉली में डाल देती। और दूसरी बात, क्या मैं वही सेक्शन में ज़्यादा जाती जहाँ पर है ना बाय वन गेट वन फ्री वाला सामान रहता, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है एक पर एक जो चीज़ें मिल जाती वो। तो हस्बैंड बार बार चिल्ला रहे थे, अरे क्या तुम बार बार बाय वन गेट वन फ्री के उधर ही चली जाती, तुमको कितना भी खींच खींच के लेकर आओ तुम फिर वही चले जाती। तो बहरहाल ये तो औरतों की खासियत है और यहाँ पर मैंने अपनी ट्रॉली में हर चीज़ रख दी और बाद में आके लास्ट में हस्बैंड के हाथ में थंबा दी ये सब चीज़ें। और इसके बाद है ना हस्बैंड चले गए थे आयशा को सॉफ्टी वगैरह दिलाने के लिए। सो फाइनली हम लोग आ गए थे घर पे और मैंने पहले आते से फटाफट से असर की नमाज़ पढ़ ली क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं बचा था। तो और उसके बाद में मैंने बैग वगैरह खाली कर ली और यहाँ रख दी। और ये जो डोर है आप इतना साफ़ देख रहे हैं क्योंकि मैं जाने से पहले इसको पूरा क्लीन करके गई थी। ये मैंने इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ दिन पहले मतलब फ्रिज क्लीनिंग की है ना पूरी एक वीडियो बनाई थी, इसके लिए मैंने यहाँ पर अभी कुछ भी शूट नहीं करी थी। तो यहाँ पर बस मैंने एक गीले कपड़े से पोंछ ली इसको ताकि कुछ भी ऐसा गिरा होगा डस्ट वगैरह या फिर कुछ भी खाने का सामान गिर जाता है, तो ये सब चीज़ें मैंने क्लीन करके यहाँ से गई थी। और कुछ कुछ चीज़ें अवेलेबल थी मेरे पास तो मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदी, बस जो नहीं था या कम थी मतलब, तो वो सारी चीज़ें मैं परचेस कर यहाँ पर लेकर आई। और माशाल्लाह से मेरा हर एक काम हो गया है, क्लीनिंग वगैरह से लेकर हर चीज़ हो गई है। तो मैंने सोची क्यों ना आज मैं आपके साथ में कुछ अच्छी बातें कर लूँ, कुछ रमज़ान की फजीलत वगैरह आप सबके साथ में शेयर करूँ। तो जैसा कि रमज़ान का इतना बड़ा मुबारक महीना है और मतलब हम सब के ऊपर उसके रोज़े फ़र्ज़ है अल्हम्दुलिल्लाह, और इतने हम खुश नसीब है कि अल्लाह ताला ने हमको ये महीना नसीब किया और पिछले साल भी हमें नसीब किया था, मतलब हम कितने नसीब वाले लोग हैं कि जिसको ये मुबारक महीना मिल रहा है
और यहाँ हम लोग रमज़ान की तैयारी ये हिसाब से करते हैं कि ये बहुत बड़ा अफजल महीना और मुकद्दस महीना है। तो जैसा कि कभी हमारे घर मेहमान आने वाले रहते तो हम कितना प्रिपरेशन करते ताकि कुछ कमी ना रह जाए, वैसा रमज़ान भी एक मेहमान ही है। क्योंकि जब ये अलविदा होता है माहे रमज़ान, तो वही बंदा जानता है जिसने अच्छे से रमज़ान गुजारा हो, वही इंसान को एकदम ज़्यादा रोना भी आ जाता है रमज़ान को लेकर, कि मतलब इतना अच्छा महीना, इतना इबादत का जो महीना था वो अभी जा रहा है, अलविदा कह रहा है। तो इसकी जो फजीलत है, तो जैसे कि रमज़ान में जन्नत के जो दरवाज़े रहते वो खोल दिए जाते और जहन्नम के जो दरवाज़े रहते ना वो बंद कर देते अल्लाह ताला, कि मतलब बिल्कुल जहन्नम ओपन नहीं होंगी, रमज़ान का महीना है तो बस जन्नत का ही दरवाज़ा ओपन रहेगा। फिर इसके बाद रमज़ान में एक नेकी का जो सवाब रहता वो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, ताकि मतलब 70% इसको इंक्रीज़ कर दिया जाता, कि मतलब एक अगर हम नेकी करेंगे बाकी महीनों में तो उसका एक सवाब मिलेगा, लेकिन रमज़ान के महीने में हम कोई नेकी करते तो इंशाल्लाह ताला उसका 70% तक उसका सवाब मिलता। और शैतान को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वो हमारे दिलों में ना वसवसे डालता, कुछ भी हम नेक काम करने जाते तो बस फिर मन नहीं होता, ये सब नखरे हमारे चालू हो जाते हैं, तो ये सब हम नहीं करते, ये शैतान का जो वसवसा रहता है ना उस वजह से ये सब चीज़ें होते रहती। तो अल्लाह ताला बेशक इसको भी, शैतान को भी एकदम जंजीरों में कैद करके रख देते, ताकि ये महीने में सब लोग बस इबादत करें और जितना हो सके अपना जो रमज़ान है अच्छे से गुजारे, इबादत में ही गुजारे, इसलिए शैतान को यहाँ पर बंद किया जाता है। और आप सबसे इतनी अच्छी बातें करते करते यहाँ पर मेरा सेट भी हो गया है फ्रिज, तो बस एक ख़ास बात बतानी थी और, कि रमज़ान के महीने में ख़ास रात आती है, वैसे तो आप सबको पता है कि वो कौन सी रात है, तो वो है शबे कदर की रात अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एक रात 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर है, मतलब आप शबे कदर की एक रात में इबादत करेंगे तो उसका सवाब आपको 80 साल की इबादत का मिलेगा, विच इज़ दी एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ अ ह्यूमन बींग। मतलब एक रात की जो इबादत है आपके पूरी ज़िंदगी के बराबर है। और इंशाल्लाह इस रमज़ान को हम ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे कि ये अपना ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, तो मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग इबादत करेंगे, और अल्लाह ताला हम सबको नेक हिदायत दे और आमाल करने की तौफीक अता फरमा, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चंद बातें थी, कुछ अच्छी बातें थी, रमज़ान की फजीलतें थी, तो ये जो मैंने आपके साथ में आज शेयर करी, और काफ़ी दिन से मेरा ऐसा था कि मैं कुछ ना कुछ आप सबके साथ में शेयर करूं, क्योंकि इतनी रेसिपीज़, क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर कर ही ली है मैंने भी और काफ़ी लोगों ने, तो बस ये मेरी उम्मीद थी कि मैं आज आपके साथ में कुछ अच्छी बातें पहुँचाऊँ, आपके साथ में शेयर करूँ। तो उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए रमज़ान महीने के लिए, इबादत के लिए, और इंशाल्लाह जैसे हम रमज़ान में इबादत करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम लोग रमज़ान के बाद में भी इंशाल्लाह वैसी ही इबादत करेंगे। अल्लाह हमको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। तो चलिए आज का व्लॉग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।